करना मैं दुख साझा करना है जी। और ये जी वारदात हुई है इन पंजाब ही नहीं सारी दुनिया ने हिला के रखा है, क्योंकि इसी तो बहुत ज़्यादा हरमन प्यारा जी नौजवान होर विदेशों तुम देख ही रहे रोज़ दूजिया कंट्रीज चो भी किस तरह लोग शोक मना रहे हैं जी। सो मैं समझता कि एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा जिस तरह उसकी सोच सी विचारधारा सी गरीबों की मदद करना कैंसर पेशेंट्स की मदद करना, मैं समझदा कि एक फरिश्ता से जिहड़ा कि थोड़ी उम्र से जिहड़ा कि मैं समझदा कि इस तरह के फरिश्ते इस तरह ख़त्म करना एक बहुत ही निंदा योग मैं यही कहना चाहना कि पंजाब की अमन और कानून की स्थिति जी बहुत बिगड़ चुकी है। पंजाब मुड़ के एक दहशत खौफ का माहौल बन गया, आतंकवाद का जो समा सी जिस तरह रोज़ वारदातें हो रही हैं, रोज़ मर्डर हो रहा है, इस तरह के जोड़े स्टार है जोड़े जोड़े बहुत हरमन प्यारे लोग हैं, जिदा मेरे हल्के चो कबड्डी वाला मुंडा संदीप नंगड़म वाला उसका खेडते मैदान से कर दिता है, यदा इतने शरेआम कर दिता है। सो एक बड़ी अलार्मिंग जी सिचुएशन पंजाब की बनी हुई है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिहड़ी भी सरकार बनती उसका सब नो पहला फर्ज होंदा कि देश नागरिकां दी जान और माल की रक्षा करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी जी हर सरकार की होनी चाहिए और हुंदी है। पर जिस तरह आ थोड़े वक्त विच सरकार बन तो बाद जो माहौल बन रहा पंजाब का इसको सुधारना बहुत जरूरी है। मैं सरकार नूं अपील करदा हां कि इधर ध्यान देण होर गल्लां छड के, होर जिहड़ियां गल्लां फस्ट प्रायोरिटी जिहड़ी अमन और कानून है पंजाब, पंजाब च बॉर्डर स्टेट रोज़ ड्रोनस राहीं वो आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड हथियार आ रहे हैं। सरकार नूं अपील करदा हां कि इधर ध्यान देण होर गल्लां छड के, होर जिहड़ियां गल्लां फस्ट प्रायोरिटी जिहड़ी अमन और कानून है पंजाब, पंजाब च बॉर्डर स्टेट रोज़ ड्रोनस राहीं वो आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड हथियार आ रहे हैं, और पंजाब सरकार की जिहड़ी फोर्स है उसका जिहड़ा इंटेलीजेंस का बड़ा तक मुख्य दफ्तर है उत्ते अटैक हो गया जी, नवे तरीके का अटैक हो गया। सो इस गल तो सरकार नूं समझना चाहिए सारिया गल्लां होर छड के पहला पंजाब च अमन और शांति कानून जिहड़ी कायम कर, ता कि आका जिहड़ा डर दा खौफ दा माहौल जिहड़ा पैदा हो गया पंजाब विच उसनूं दूर करना इस सरकार दी। साहब ने बयान दिया है कि जो हम शरेआम हथियारों की ट्रेनिंग देंगे उसको कैसे देखते हो जी आप, हिंदी में बताइए। देखो जिहड़ियां इस तरह दियां गल्लां एक मिनट, जो पंजाब के हर नागरिक का हर पॉलिटिकल पार्टी का हर जो रिलीजियस जो डेरे हैं हेड्स हैं उनका ये फ़र्ज है कि पंजाब में अमन और शांति कायम करने के लिए ऐसा जो है माहौल पैदा करें, और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो सरकार की है, सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, बन में MLA पंजाब के लोगों ने बना दिए, लेकिन क्या हो रहा है पंजाब में, पंजाब में कोई महफूज नहीं है, कोई सेफ नहीं है जी, और जेड़े गैंगस्टर है उन्हें दी मूवमेंट कितनी ओपन हो गई है, तो लगता नहीं जेलों च काफी समय ते ओ मैं कहना कि तो उन्होंने पहला क्यों नहीं कार्रवाई ता हुण क्यों एक सरकार नु पे टारगेट किया जा रहा है, कि लगता भी उन्होंने वेले भी पिछली सरकार जो
पिछली सरकार से उदो बहुत सारे गैंगस्टर जो उन्होंने ब्रेक किया उन्होंने जो नैक्स से पिछली वह सारे पता पिछली जी सरकार है पहले वो गैंगस्टर काबू किया पर हूँ क्योंकि इन्ना वाडा मैंडेट मिले अज लोड़ है मैं इन्होंने अपील करता सरकार को आम आदमी सरकार जी है आम आदमी की सरकार है आम आदमी की रक्षा तो करो आम आदमी जब महफूज नहीं गा ठीक है ना इस करके असी सारे परिवार ने खड़े हैं पर परिवार का बहुत बड़ा लॉस हो गया एक 28 साल की उम्र में इन्ना हरमन प्यारा